बेटा जी बात कर रहे हैं, यहाँ पर नया अध्याय है जिसका नाम है पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं श्वसन के बारे में और उससे संबंधित लास्ट में आएगा क्या क्विज। ठीक है, देखिए श्वसन की अगर मैं बात करूं तो श्वसन है क्या? सर सीधा सीधा श्वसन का मतलब क्या होता है? एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ग्लूकोज गया और उस ग्लूकोज का हमने कर दिया अपघटन, तोड़ दिया। ठीक है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, क्या कहलाएगा? श्वसन। क्योंकि क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। सिंपल भाषा में बोला क्या कि भैया एक कोशिका के अंदर गया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को हमने या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हमने तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला और ऊर्जा उत्पन्न हो गई, क्या कहला रहा है? श्वसन। खत्म, इतनी सी बात होती। तो मेरे ख्याल से श्वसन का मीनिंग तो सिंपल सा समझ में आ गया। अब यहां पर कई सारी चीजें दे रखी है, ये जो लैंग्वेज जो यहां पर दे रखी है इसमें सीधा लिखा हुआ है सांस, लिखा हुआ है श्वसन को क्या बोल रखा है? सांस। कि ऊर्जा मुक्त होती है, कि कोशिका के अंदर जो जटिल अणु होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनफैक्ट देखिए ग्लूकोज तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भी हम तोड़ते हैं, यहां तक कि हम प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं, यहां तक कि हम वसा को भी तोड़ देते हैं, लेकिन कब तोड़ते हैं प्रोटीन और वसा को? जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। समझ में आया? तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्यों करनी जरूरी है? जरा सोचिए, अगर मैं बोल रहा हूं, यहां पर हाथ हिला रहा हूं, इनफैक्ट मैं सो भी रहा हूं, तो मुझे चाहिए क्या? ऊर्जा। मेरी शरीर की हर जैविक क्रिया के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न हो रही है? श्वसन से उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए श्वसन करना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जिसका होता है उसे हम क्या बोलेंगे? श्वसनी क्रियाधार। वो श्वसनी क्रियाधार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है? जी हाँ, बिल्कुल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, लेकिन पादपों में ना, पादपों में प्रोटीन और वसा, यहां तक कि कार्बनिक अम्ल को भी हम यूज में ले सकते हैं, पादपों में भी और हमारे अंदर भी यूज में लेते हैं। ऐसे नहीं है कि पादपों में ही होते हैं, हमारे अंदर भी यूज में लेते हैं। नहीं है समझ में? देखो, ये मेरे अंदर मान लो ग्लूकोज गई। ग्लूकोज कौन है? सर जी शर्करा है। मैंने कहा ठीक है, शर्करा गई, हमने इसका ऑक्सीकरण किया, हो गई उत्पन्न ऊर्जा। अब मान लो मेरे अंदर क्या नहीं है, मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं गई, अब ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? तो इस परिस्थिति में हम किसको तोड़ते हैं? वसा को। वसा नहीं होती तो प्रोटीन को, और प्रोटीन भी नहीं होएगा तो फिर हम तोड़ते हैं किसको? कार्बनिक अम्लों को, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, सक्सेनिक अम्ल हो गया, फ्यूमैरिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, ये क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। इन कार्बनिक अम्लों को फिर तोड़कर क्या उत्पन्न करते हैं? ऊर्जा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली श्वसन प्रक्रिया में क्या बन रही है? ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और फिर उसी एटीपी को हम यूज में लेते हैं। बताए सारे बिंदु क्लियर? डंडना डंडन। नेक्स्ट, अब बात आते हैं कि देखिए हमारे अंदर अगर हमें श्वसन करना है, हमें मनुष्य की अगर बात करें तो हमारे अंदर कोशिका में ग्लूकोज तो गया, जैसे मैंने रोटी खाई, रोटी में क्या था? मंड था, स्टार्च था, अंदर गया स्टार्च, रोटी गई अंदर, उसका पाचन हुआ, स्टार्च टूटा किसमें? ग्लूकोज में गया, ग्लूकोज बन गया, पाचन हो गया, ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज मेरे रक्त में आएगा अवशोषण से, अब मेरा रक्त उस ग्लूकोज को देगा किसको? कोशिकाओं को। कोशिकाओं के अंदर क्या चला गया? ग्लूकोज चला गया। चलो सर, डंडना डंडन। पादपों में भी ऐसे, पादपों में पाचन नहीं होगा, पादपों में तो सीधा प्रकाश संश्लेषण से क्या बन गया? ग्लूकोज। हमने उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, यहां पर पाचन वाचन तो होएगा नहीं, है ना? तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब बात आ रही थी यहां पर, श्वसन दो प्रकार का, एक वायवीय और एक अवायवीय, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मान लो वायवीय श्वसन की बात करते हैं, अनुपस्थिति तो चलो ठीक है, हम देखेंगे एनारोबिक यानी वायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब हमें तो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? देखिए हम वायु से ले रहे हैं ऑक्सीजन, हमारे फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में आदान प्रदान हो रहा है, फिर फेफड़ों से होते हुए हमारे रक्त में जाएगी, हमारा रक्त ऑक्सीजन को लेकर जाएगा कोशिकाओं तक। सिंपल सा पढ़ा है आपने। लेकिन पादपों में कोई श्वसन अंग तो नहीं होता, कोई फेफड़े नहीं होते, तो पादपों में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं पादपों में जो पत्तियां होती हैं या जो तना जो होता है, इनमें होते हैं, इनमें होते हैं रंध्र और तने में होते हैं वातरंध्र। क्या? रंध्र और वातरंध्र, छिद्र होते हैं। पत्तियों में जो होते हैं बड़े होते हैं, रंध्र होते हैं, और तने में भी होते हैं छिद्र, जिनको हम वातरंध्र बोलते हैं। याद करिए शारीरिकी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये रंध्र और वातरंध्रों से
विसरण प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन आती है। आ गई ऑक्सीजन, आ गई जी, आ गई, चले आगे। अब ये ऑक्सीजन जो आई है ये गई। सर ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण से भी बनती है, मैंने कहा जो प्रकाश संश्लेषण से बनी है वो तो यूज में आएगी 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 आएगी, और अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वायुमंडल से भी आ सकती है इन छेदों के द्वारा। आया समझ में कि भैया देखो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं बनी थी, याद करिए ऑक्सीजन मुक्त हुई थी, हाँ क्या वो ऑक्सीजन यूज में नहीं आएगी, आएगी। और ऑक्सीजन चाहिए तो कहां से आएगी, सर वातावरण से आ जाएगी, किसके द्वारा, इन रंध्रों के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, कोई फेफड़े वेफड़े नहीं होते, इसलिए सीधा वातावरण से विसरण प्रक्रिया द्वारा, याद रखना कौन सी प्रक्रिया द्वारा, गैसों का आदान प्रदान होता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बेटा जी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, सीधा सीधा बिंदु याद रखना, ठीक है। अब ये जो होते हैं देखिए इनमें तना मूल पत्ती इन सभी में ही देखिए हमारे अंदर वायु आई, फेफड़ों में गई, फिर फेफड़ों से रक्त में आया ऑक्सीजन, रक्त से फिर पूरे शरीर की कोशिकाओं में गया। अब यहां पर कोई ऐसा अंग तो है नहीं ये हर एक कोशिकाओं को भेज दे, तो पत्ती में भी, तने में भी, है ना, और जड़ों में भी, जी हाँ जड़ों में भी ऑक्सीजन आती है। सर जड़ों में कहां से आ जाएगी, जरा सोचिए आप खेतों को जोतते हैं, करते हैं ट्रैक्टर से, करते हैं खोखला करते हैं जमीन को, करते हैं ताकि उन मिट्टी के कणों के अंदर ऑक्सीजन व्याप्त हो जाए, फिर वो ऑक्सीजन जड़ों में भी आ जाती है विसरण प्रक्रिया द्वारा। तने में वातरंध्र होते हैं, जड़ों में भी होते हैं रंध्र, छोटे छोटे बहुत बारीक वातरंध्र होते हैं, मेनली वातरंध्र किसमें होते हैं, तने में, और पत्तियों में तो होते ही है रंध्र, आ जाती है कौन ऑक्सीजन, आ जाती है आदान प्रदान हो जाता है, खत्म, बताए सीधी सी बात थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कोई कमी नहीं है, देखो ऑक्सीजन अगर कम भी आ रही है जड़ों के पास, तने के पास या पत्तियों के पास, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से तो बनी थी ना ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोल रहा कि ज्यादा कोई समस्या नहीं है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है ऑक्सीजन को लेने की, लेकिन हमारे लिए तो है ना ऑक्सीजन को लेने की, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा रहेंगे क्या, नहीं ना, ये इनके पास इतनी ज्यादा समस्या नहीं, क्यों, क्योंकि भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तो ऑलरेडी निकल रही है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम ले सकते हैं, हम मतलब पादप ले सकते हैं ऑक्सीजन, ये है बात, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, बाकी तो वही है, तने में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है, इनमें छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, वातरंध्रों से आ जाती है, ठीक है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादप सतह के पास होती है, जहां पर विसरण विसरण विसरित विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है सर, नॉर्मल सी चीज थी, समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे चलते हैं, अब देखिए बाकी ये ठीक है, यांत्रिक सहारा देती है ना, हवा के संपर्क में होती है, जितनी भी पादप की कोशिकाएं हवा के संपर्क में होती हैं और सीधा सीधा अपने अंदर वायु को खींच लेती है, बेटा कुल मिलाकर बात देखो घुमा फिरा कर वही है, देखो समझना सीधा सीधा, मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मेरे अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ, ओके, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त हो गई, ओके, अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगी, इसका कुछ भाग वातावरण में जाएगा, क्योंकि हमें कहां से मिल रही ऑक्सीजन, जो पादपों ने निकाली, कुछ भाग वातावरण में गया, ठीक है, कुछ भाग अंदर रह गया। अब कुछ भाग जो अंदर रहा है, जो अंदर रह गया, उसको यूज में लेंगे किसके लिए, श्वसन के लिए, है ना, लेकिन अगर ज्यादा आवश्यकता है तो पादप की सारी कोशिका वायु के संपर्क में है, ले लेंगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर, तो पादप के लिए ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है प्रभु, कुल मिलाकर बात यह है। तो मेन चीज क्या है, हमें तो यह पढ़ना है कि श्वसन किन किन चरणों में होता है, श्वसन कैसे कैसे होता है, ग्लूकोज को कैसे कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। तो बेटा जी यहां पर सीधी सी प्रक्रिया दे रखी है, ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला और ऊर्जा निकली, यही क्या कहला रहा है आपका श्वसन, यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया है, कोशिकीय श्वसन कहला रहा है, डन, सिंपल सा था, चले आगे। अब मेन क्या है इस चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, मेन क्या है इस चैप्टर में, सर जी मेन जो है वो है श्वसन के चरण, श्वसन जो प्रक्रिया होती है उसके कितने
चरण है, ये है मेन चीज। अब हम देखने वाले हैं यहां पर कि भैया श्वसन जो होता है वो कौन कौन से चरणों से बना होता है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, श्वसन की अगर मैं बात करूं तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है ना, चार चरणों से बनी हुई है। हमारी बुक में तीन दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको चार बताऊंगा। चार चरणों से बनी होती है श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर हो रही है। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है एसिटाइल को एंजाइम ए, याद रखना क्या बोलते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण, ठीक है जी। दूसरा है, तीसरा है क्रैब चक्र और चौथा है ईटीसी या ईटीएस भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देखेंगे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये चार चरण होते हैं किसके, श्वसन के। चार चरणों में संपन्न होता है क्या, श्वसन, ठीक है। सबसे पहले ये होते कहां कहां पर है, इनके पहली स्थिति देख लेते हैं। देखिए ये होता है कोशिका द्रव्य में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तीन स्टेप जो है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही जगह हो रहे हैं क्या, नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आधात्री, अगर आपको याद आ रहा हो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, वहां पर होता है, ये भी आधात्री में होता है, मैट्रिक्स में होता है, यानी ये दोनों चरण तो आधात्री में होता है, लेकिन आखिरी जो है ईटीएस जो है ये कहां पर होता है, याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली थी, कुछ वलन ले रही थी, याद आ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली जो होती है, अंतः झिल्ली होती है, जो कुछ वलन ली थी, याद आ रही, क्रिस्टी बताया था कोशिका वाले चैप्टर में, वहां पर होता है। तो होती है तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये दोनों तो आधात्री में होती है और ये कहां पर होती है, जो अंतः झिल्ली होती है, जो घूम जाती है अंदर की तरफ, वलन लेती है, उसमें होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। डन, क्लियर, चले आगे। आइए अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। आइए सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं ईएमपी पथ, क्या बोलते हैं, ईएमपी पथ बोलते हैं, ईएमपी पथ। अब सर ये ईएमपी क्या है पूछेंगे ना, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पथ, ग्लाइकोलाइसिस होती कहां पर है, कोशिका द्रव्य में होती है, ईएमपी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। तीन वैज्ञानिक है ये तीन, एम्बडन, एम्बडन, एम्बडन मेयर हॉफ और पारनस, क्या क्या इसके नाम में आ रहा है, गुस्ताव, गुस्ताव एम्बडन, ओटो मेयर हॉफ, जैकुट पारनस, एम्बडन मेयर हॉफ पारनस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने खोज करी थी, इसीलिए इस पथ को बोला जाता है ईएमपी पथ। सिंपल, ग्लाइकोलाइसिस की खोज इन्होंने करी थी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है खोजा था इन्होंने, इसलिए हम इसको ईएमपी पथ भी बोलते हैं। डन, सिंपल सा। अब ध्यान से सुनना, इसमें कहां पर हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कहां पर हो रहा है, ये सर कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ठीक है, कहां पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ठीक है। कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है इसमें। आप बोलेंगे क्या सर, वापस से बोलना, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने क्या बोला था, श्वसन में क्या होता है, सर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, मैंने कहा तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इस पथ में, यानी जो पहला चरण है इसमें कोई ऑक्सीजन यूज में नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रही,
ठीक है, तो होएगा क्या इस चरण में, होएगा क्या, देखिए ये है। अच्छा यहां पर एक जल का अणु निकलता है, जल का अणु निकलता है, ठीक है, यहां पर जल का अणु निकलता है, होएगा क्या इस चरण में, ध्यान से सुनिएगा। इस चरण में कुल मिलाकर ये 10 चरण से बनी होती है, ये पथ जो है ये 10 चरण का होता है, ये बात समझ में आ गई। ये जो पथ जो होता है कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप्स का होता है, 10 चरणों का होता है, देखिएगा इस तरीके से, ये अभी बताऊंगा कितने स्टेप्स का होता है, 10 चरणों का होता है ये पथ, 10 चरणों का पथ होता है, ठीक है, जिसमें 10 एंजाइम होते हैं, हर चरण में क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है, 10 एंजाइम लगते हैं। फाइनली बनता क्या है, क्यों करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि सातवां बिंदु यहां लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर 2 ATP और 2 NADH2 बनते हैं, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, 2 ATP और 2 NADH2 का निर्माण होता है, किसमें, इस पथ में, ग्लाइकोलाइसिस में, कहां पर हो रही है, कोशिका द्रव्य में, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे, एक बार देख लेते हैं स्टेप, ये रही, देखिए ग्लूकोज नंबर, देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, G6P का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से बनता है बेटा जी। अब यहां पर लिख नहीं पाऊंगा, मैं यहां लिखता हूं, बेटर ये रहेगा, फिर मैं आपको तुलना कराकर दिखा देता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, 3PGAL, ये मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था, 3PGAL 1,3 बाई PGA, 3PGA 2PGA 2PEP पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल, ठीक है, ये है 9 चरण आपको दिख रहे हैं, एक कितने चरण दिख रहे हैं आपको सर, 9 दिख रहे हैं ये तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर ये तो 9 है, 10 का है, देखिए ये जो 3PGL है इसका एक समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है इसका, DHAP, देखिए यहां पर लिखा हुआ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या लिखा हुआ है, डाइहाइड्रोक्सी, यहां लिख देता हूं DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ना भी लिखूं तो आप यहां से देख सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, इसका 3PGL का इसोमर होता है, ठीक है। अब देखिएगा इन सारे चरणों को, देखिएगा मैं नंबरिंग वापस से दे रहा हूं, तभी तो 10 होएंगे ना, ठीक है जी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, 6, 7, 8, 9 और 10, ये है 10 चरण की टोटल ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, 3PGL, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, ये फुल फॉर्म मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं उस चैप्टर में, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3 क्या बता रहा था, कार्बन की संख्या नहीं, 3 पोजिशन बता रहा है किसकी, फॉस्फेट की, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां पर AL का मतलब एल्डिहाइड और A का मतलब एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 और 2 और ये 1,3 क्या है, ये पोजीशन है किसकी, फॉस्फेट की, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड,
यानी एक ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस में तो दो पायरविक एसिड बनते हैं। पायरविक एसिड तीन कार्बन का है तो कितने अणु बनेंगे? दो। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ आपने याद रखना है। मैं यहां से ये डीएचएपी हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि मेन जो चीज जो याद रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए आपको याद रखना है इन 10 चरणों में पहला और तीसरा जो चरण है, ऐसे याद रखना, पहला और जो तीसरा चरण है उसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले चरण में एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, बन नहीं रही। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था एटीपी बनेगी, रुको, एटीपी खर्च हो रही है, खर्च हो रही है कितनी? एक। एटीपी टूटेगा तो एडीपी बनेगा, फॉस्फेट बनेगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट अलग होएगी तो क्या बचेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। किसको यूज में लिया? एटीपी को ऊर्जा यूज में ली, पहले और तीसरे चरण में एटीपी हो गए यूज में। देख लीजिए यहां पर ये एटीपी, ये एटीपी, देख लीजिए पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण जो है इसमें। देखिए ये पहला और तीसरा चरण कब याद होएंगे? जब आपको ये पूरी स्टेप्स सारी की सारी याद होएंगे तभी इसका मतलब है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, ये तभी याद होएगी जब आपको ये 10 स्टेप्स याद होंगे। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में एक एक एटीपी खर्च हो गई। टोटल कितनी एटीपी खर्च? सर एक यहां दो एटीपी खर्च हो गई है। डन, चलो ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवा। अब छठे और सातवें चरण में देखिएगा, छठे और सातवें चरण में आपने देखना, देखिएगा कौन सा, ये पांचवा, छठा और सातवा। अब जो छठा चरण है उसमें देखिएगा, ये सिक्स्थ स्टेप है, इसमें देखिएगा और सातवें चरण में देखिएगा। छठे चरण में ध्यान से देखिएगा, ये फ्रक्टोज कितने कार्बन का होता है? छह कार्बन का होता है। ग्लूकोज छह कार्बन, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट छह कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन, लेकिन 3PGL तीन कार्बन का है, तीन कार्बन का, तो हमें दो अणु लेने पड़ेंगे। इसके भी दो अणु, इसके भी दो अणु, इसके भी दो अणु, क्योंकि ये बैलेंस करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये छह कार्बन, ये छह कार्बन, ये छह कार्बन, ये छह कार्बन, लेकिन ये तो तीन कार्बन, तो कितने अणु लिए? दो। अब दो से दो यहां जब बनाते हैं तो दो एन ए, ध्यान से सुनना, दो यहां पर देखिएगा छठे चरण में देखिएगा, दो NADH2 का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और सातवें चरण में दो ATP का निर्माण हो रहा है, निर्माण, यहां पर खर्च हुए थे, यहां पर निर्माण हुआ है दो ATP का। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए तो किसमें? छठे चरण में, पहले और दूसरे चरण में एटीपी खर्च हुई, छठे चरण में, सिक्स्थ स्टेप में, छठे चरण में याद रखना है आपने NADH2 निर्माण हुआ। सातवें चरण में, रुक जाइए, अब सातवां जो चरण है उसमें दो एटीपी बने हैं। ठीक है, एक बार नवा और दसवां चरण और देखते हैं। ठीक है, ये जो दसवां चरण है इसमें भी दो एटीपी बनती है। दसवें चरण में देख लीजिएगा, यहां पर ये दसवां चरण, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए। देखिए जो नीचे लिखा हुआ मैंने यहां पर वापस से वही लिखा, कितने चरण हो गए? 7 8 9 और 10। देखिए दसवें चरण में एटीपी बनती हुई दिखाई दे रही, बन रही है। तो दसवें चरण में, सातवें और दसवें चरण में एटीपी का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और नाइन्थ चरण में जल निकल रहा है, याद रखना जो नाइन्थ चरण है उसमें जल निकलता है। देख लीजिए, देख लीजिए, जल केवल एक ही चरण में निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ किसमें? इसमें, नाइन्थ चरण में। तो ये जो चीज जो लिखी है ना, ये अगर याद रह गई, प्रभु ग्लाइकोलाइसिस याद रह जाएगा, क्योंकि पूछा यही जाएगा
कि ग्लाइकोलाइसिस के आपने 10 स्टेप याद कर लिए, हाँ ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 वाई फॉस्फेट 3 पीजीएल 1 3 बाई पीजीएल 1 3 पीजीए 2 पीजीए 2 पीईपी 2 पाइरुविक एसिड, ये तो जवानी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनमें ये जो 10 स्टेप होंगे, जिसमें ये वाला स्टेप याद रखना, पांचवा कौन सा था, डीएचएपी, ये भूल जाते हैं, इसका आइसोमर था ये, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अब इन 10 चरणों में पहले और तीसरे चरण में एटीपी खर्च हुआ, सातवें और दसवें चरण में एटीपी बना, छठे चरण में एनएडीएच2 बना, नाइन्थ चरण में H2O जल निकल गया, ठीक है। मुद्दा था ये इनको देखो, इनको देखने के बाद में आप मुझे बताओ एटीपी खर्च कितनी हुई। सर एक दो एटीपी खर्च हुई है, हाँ दो एटीपी खर्च हो गई। बनी कितनी है सर, दो और दो चार एटीपी बनी और दो खर्च हो गई, नेट प्रॉफिट कितना हुआ सोचिए। ₹2 मैंने खर्च कर दिए और ₹4 मैंने कमाए, टोटल मेरे पास कितने रुपए बच गए, ₹2 ना, सिंपल। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ सर, ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ, और दो NADH2 का निर्माण हुआ, खत्म। और सोचिए मैंने आपको यहां पर क्या दिखाया था, ये क्या बताया था, सोचिए यहां पर क्या कोशिका द्रव्य में हो रही है, क्या बताया था यहां पर, दो एटीपी और दो NADH2 का हमें क्या करना है, निर्माण करना है, सीधा सा था, बताइए क्लियर है, डंडना डंडन, चले आगे। सो कुल मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस में हमारे दो एटीपी और दो NADH2 बन चुके हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखिएगा, ये कोशिका मान लो एक पादप कोशिका है, जिसमें ये उसका केंद्रक है, ये बाहर कोशिका द्रव्य है, जहां पर हमने ग्लूकोज से दो पाइरुविक एसिड यानी पाइरुविक अम्ल बना दिए और इसमें कुल मिलाकर दो एटीपी बन गई हैं और दो NADH2 बन गए हैं, बताएं, बोल सकते, सोचिए, एक ग्लूकोज को हमने तोड़कर दो पाइरुविक एसिड बना दिए हैं, दो एटीपी बना दी, दो NADH2 बना दी, ये है क्या ग्लाइकोलाइसिस, कहां पर हो रहा है, कोशिका द्रव्य में, डन। चल अब इसी के अंदर कौन है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखिए यहां पर अब बात आ जाएगी, ध्यान से सुनना, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ध्यान से सुनना, वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में ये होता है, यानी कोई जीव अगर वायवीय श्वसन कर रहा है तो उसका पहला चरण क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, और अवायवीय करेगा तो उसमें भी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जरा सोचिए ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज में आई, दिमाग लगाओ, क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज में आई, नहीं, जब ऑक्सीजन यूज में ही नहीं आ रही है, इस चरण में ऑक्सीजन यूज में ही नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं रही है, तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज में नहीं आती, वायवीय श्वसन में ये पहला चरण है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पथ है, समान पथ है दोनों का, वायवीय और अवायवीय श्वसन का, डन। तो अब जरा सोचिए अगर वायवीय श्वसन कराना है तो क्या कराना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस कराना पड़ेगा, अवायवीय श्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस कराना पड़ेगा। लेकिन अब जरा सोचिए इसके बाद की कहानी क्या एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण, क्रैब साइकिल और ETS, ये तीन स्टेप किसमें हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन किसमें होता है, सूक्ष्म जीवों में, प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये तीन चरण अवायवीय श्वसन में नहीं होंगे। तो फिर आगे क्या होगा यहां पर, अभी बताऊंगा, ग्लाइकोलाइसिस होएगा किसमें, अवायवीय श्वसन में, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर पाइरुविक एसिड का क्या होगा, ये हम देखेंगे वायवीय श्वसन में। पहले हम बात करते हैं यहां पर किसके बेटा जी, श्वसन के प्रकार मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय,
एरोबिक और एनारोबिक। पहले हम किसकी बात करते हैं, अवायवीय श्वसन की। आइए, किसकी बात कर रहे हैं, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है यहां पर, ये अवायवीय श्वसन कहां पर होता है? सर, ये प्रोकैरियोट में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोट में। हमारे अंदर कहीं होता है? हां सर, मांसपेशियों में होता है। कहां पर होता है? मांसपेशियों में होता है, हमारी आरबीसी में होता है। ठीक है, और जो किण्वन प्रक्रिया जो होती है, किण्वन प्रक्रिया जो होती है, कौन सी प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया जो होती है, फर्मेंटेशन जो होती है, उसमें भी होता है क्या? ये आपका अवायवीय श्वसन कहां पर होता है? तो यहां मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये कर सकते हैं। हमारे अंदर मांसपेशियों में हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है, किण्वन प्रक्रिया में हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब अवायवीय श्वसन होता है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, अवायवीय श्वसन जब होता है, अवायवीय श्वसन जब होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है इसको तोड़कर या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जरा सोचिए, जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे आपके अल्कोहल जब बनानी होती है, मदिरा बनानी होती है, शराब बनानी होती है, तो किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं, तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन हमारी मांसपेशियों में जब अवायवीय श्वसन होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। यानी अवायवीय श्वसन में दो पथ है, या तो लैक्टिक एसिड बनाओ या इथेनॉल बनाओ। आइए दोनों बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने ग्लूकोज लिया, हमने दो पाइरुविक एसिड बनाए। सोचिए कौन सा स्टेप था, और दो एटीपी और दो NADH2 बनाए थे, यही था, ग्लाइकोलाइसिस था कि नहीं था? ये सर ग्लाइकोलाइसिस था। कोई यहां पर ऑक्सीजन यूज में आई? नहीं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकली? नहीं। ठीक है, अब ये जो दो पाइरुविक एसिड जो होते हैं, इनको सीधा हम बदलते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में, C3H6O3, ये है हमारा लैक्टिक एसिड। एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है? तीन। पाइरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? तीन। तो टोटल कितने थे? छह कार्बन थे, दो अणु थे। भाई एक पाइरुविक एसिड तीन कार्बन का, दो अणु लिए तो छह कार्बन। यहां पर कितने लैक्टिक अम्ल बनेंगे? दो अणु बनेंगे, बैलेंस तो हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में, जरा सोचिए, इस प्रक्रिया में दो NADH2 खर्च हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। दो NADH2 बने थे ग्लाइकोलाइसिस में। श्वसन में मात्र दो एटीपी बनती है, यानी अवायवीय श्वसन में अगर आप एक ग्लूकोज को तोड़कर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं तो दो एटीपी बनती है। और ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पथ था, देख लीजिए, ग्लूकोज से दो पाइरुविक एसिड बनाए, दो एटीपी बनाए थे, दो NADH2 बनाए थे, ये तो ग्लाइकोलाइसिस था, है ना। उसके बाद सीधा हमने लैक्टिक एसिड बना दिया, और इस चरण में इस एंजाइम ने दो NADH2 खर्च कर दिए। दो NADH2 बने थे, दो NADH2 खर्च कर दिए, टोटल एटीपी कितनी बच गई है? दो एटीपी, खत्म, खल्लास। ये था पहला, क्या? लैक्टिक एसिड बनाना। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा इथेनॉल बनाना, ग्लूकोज था वही, सेम टू सेम, दो क्या बनाएंगे? पाइरुविक एसिड, क्या
क्या बनी थी? दो एटीपी, दो एनएडीएच टू। कौन है ये? ग्लाइकोलाइसिस। अब हम करा रहे हैं क्या? किण्वन, फर्मेंटेशन। दो पायरुविक एसिड से, ध्यान से देखना, दो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? तीन। टोटल कितने कार्बन है? छह, क्योंकि दो अणु, एक पायरुविक एसिड तीन कार्बन का, दो अणु ले लिए तो टोटल कितने कार्बन? छह कार्बन। अब हम बना रहे हैं क्या? इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल है। अब जरा सोचिए, इसके दो अणु अगर होंगे तो टोटल तो चार कार्बन हो गए सर, ये तो बैलेंस नहीं हुआ। तो साथ में क्या निकलती है? दो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो याद रखना, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, लेकिन जब इथेनॉल बनता है तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इतना तो बैलेंस कर सकते हैं ना। इथेनॉल में कार्बन कितनी है? दो, दो अणु लेंगे तो चार, तो ये तो छह था, ये चार है, तो दो कार्बन कहां गई? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो होती है इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इस स्टेप में भी दो NADH2 खर्च होते हैं। अब दो NADH2 खर्च हो रहे हैं, दो NADH2 बन रहे थे, NADH2 कितने हो गए? जीरो। ATP कितने बन गए? दो। तो कुल मिलाकर अवायवीय श्वसन में दो ATP बनते हैं, चाहे आप लैक्टिक एसिड बनाओ चाहे आप इथेनॉल बनाओ, बनेंगे दो ATP। और ग्लाइकोलाइसिस दोनों ही चरणों का समान पथ होएगा, यहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर लैक्टिक एसिड बनाएंगे, कहां बनता है? हमारी मांसपेशियों में। और इथेनॉल बनाते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन बनाते हैं बेटा जी? यीस्ट, बेकरी में इस्तेमाल होता है। और क्या बनाने के लिए? मदिरा का, यानी जो शराब जो होती है उसको बनाने के लिए इथेनॉल बनाई जाती है, यीस्ट का उपयोग होता है, ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये थी कहानी बेटा जी अवायवीय श्वसन की। अब बात करते हैं किसकी? वायवीय श्वसन की। देखिए, वायवीय श्वसन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको इतनी सी बात बताई, देखिएगा यहां पर वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में क्या होने वाला है? अवायवीय तो हो गया, अवायवीय का सिर्फ इतना सा चरण था क्या? ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल को एंजाइम एकन, खुद देख लीजिए, क्या अवायवीय श्वसन में हमने एसिटाइल को एंजाइम एकन निर्माण किया? नहीं। क्या हमने यहां पर कोई क्रैब चक्र देखा? नहीं। ईटीएस देखा? नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। समझ में आया? तो यहां पर वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन में अब क्या होने वाला है? ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया, दो पायरुविक एसिड बना दिया। अब यहां पर वायवीय श्वसन देखिएगा, वायवीय श्वसन में ये दो पायरुविक एसिड जाएंगे अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये आप जानते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में कौन आ गए? दो पायरुविक एसिड आ गए हैं। कौन आ गए हैं? दो पायरुविक एसिड आ गए हैं। अब ये दो पायरुविक एसिड जो यहां पर आए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो दो पायरुविक एसिड आए हैं यहां पर, अरे यार, ये जो दो पायरुविक एसिड आए हैं बेटा जी यहां पर, ये वाले बाहर से अंदर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कौन लेकर आता है? तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है जिनको, ट्रांस मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं झिल्ली से, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली से, जो अंदर लाते हैं, ठीक है। अब ये दो पायरुविक एसिड को बदला जाता है किसमें? ध्यान से देखिएगा, अगला दूसरा चरण क्या था जरा देखिएगा, यहां पर लिखा है हमने आपके यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। तो देखिएगा यहां पर जो कुल मिलाकर आपके यहां पर आ चुके हैं, दूसरा चरण क्या, कि जो दो पायरुविक एसिड आए थे, किसमें आए थे? माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में, ठीक है। ये दो पायरुविक एसिड को बदला जा रहा है दो एसिटाइल को एंजाइम ए में, किसमें? दो एसिटाइल को एंजाइम ए में, डन। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। क्या आपने ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकाली? नहीं। कोई ऑक्सीजन यूज में ली? नहीं। यहां पर देखिएगा, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? तीन कार्बन का।
कितने अणु हैं? दो। टोटल कितने कार्बन? छह कार्बन हो गए। एसिटाइल कोएंजाइम में दो कार्बन का होता है और टोटल कितने अणु हैं? दो। कितना कार्बन? चार कार्बन। बैलेंस तो हुआ नहीं, बाकी कार्बन का है, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहां पर। तो वायवीय श्वसन में जो चार चरण है, वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, एवायवीय हो चुका है, एवायवीय में जब इथेनॉल बनाया था तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, ठीक है, डन। वायवीय श्वसन में चार चरण है, ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली, दूसरा चरण जो था उसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, जल निकला था। हां, ग्लाइकोलाइसिस में नवा जो चरण था वहां पर जल निकला था, जब पीईपी से आपने क्या बनाया, जब आपने 2PGA से पीईपी बनाया था वहां पर जल निकला था, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली है। अब ये काम जो होता है, ध्यान से देखना, ये काम जो होता है ये एक एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, ये वाला काम। कौन सा? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आप बना रहे हो, ये एक एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, या एंजाइमों के समूह की उपस्थिति में हो रहा है, जिनका नाम याद रखना है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसको सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। याद करिए, खनिज पोषण में बात करी थी, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में काम करता है और इस चरण में दो NADH2 बनते हैं, दो NADH2 बनते हैं। ठीक है, अब ये कहां पर हुआ? सर जी, ये हुआ है हमारा यहां पर। ये दो क्या बना दिए हैं? एसिटाइल को एंजाइम ए क्या बने हैं? दो NADH2। ठीक है, और दो क्या बन गई है? कार्बन डाई ऑक्साइड। डन, क्लियर, चले आगे। अब इधर थोड़ा सा मैं यहां पर ये लिखना चाहूंगा, देखिएगा, यहां पर ये जो चार चरण है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी बन गए हैं, दो NADH2 बन गए हैं, इस चरण में दो NADH2 बन गए हैं, देख रहे हैं आप, ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी, दो NADH2 बन गए। वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, वायवीय है, वायवीय हो चुका है, जहां पर दो NADH2 खर्च हो गए थे वायवीय में, तो दो एटीपी बच गए थे वायवीय में, दो एटीपी, दो NADH2 इस चरण में, दो NADH2 इस चरण में। अब क्या होएगा? अब होगी क्रैब चक्र। अब क्रैब चक्र कहां होता है? ये देखिए, ये जो है दो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जाते हैं एक चक्र में, एक साइकिल में, जिसका नाम है क्रैब चक्र। कौन सा चक्र है? क्रैब चक्र। ठीक है, अब इधर देखिएगा, यहां पर ये तो हमने यहां पर ये कर दिया, सेकेंड स्टेप था, सेकेंड एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। ठीक है, ये सेकंड चरण था जो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में हो रहा था, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया, दो कार्बन का होता है, चार कार्बन थे, टोटल दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए थे, दो NADH2 यहां पर बनते हैं, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में होता है। अब तीसरा जो चरण है वो है क्रैब चक्र। अब इसको क्रैब चक्र क्यों बोलता है? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रैब, जिन्होंने इस चक्र की खोज करी थी। कुछ इस तरीके से होता है बेटा जी ये चक्र, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर जो सबसे पहला उत्पाद बनता है उसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल, जो तीन कार्बन का होता है। आप बोलेंगे सर छह कार्बन है, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल TCA तीन कार्बन का होता है, और सॉरी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है, ये होता तो छह कार्बन का है लेकिन इसमें दो अणु बनते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल सिट्रिक अम्ल जो होता है छह कार्बन का होता है लेकिन इसके दो अणु बनते हैं। शायद ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कौन सी साइकिल को? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, TCA साइकिल को, जिसी का दूसरा नाम है क्रैब चक्र। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैब चक्र बोलते हैं। क्या नाम दिया है? क्रैब चक्र। ठीक है, अब ये क्रैब चक्र मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये पूरा चक्र दिखाऊंगा, जिसको और अच्छे तरीके से। ये हमारे हेंसलेट क्रैब, जिन्होंने ये खोजा था, ठीक है, और ये जो चक्र जो है और अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाएगा, जहां पर ये जो लाल रंग की जो चीजें है ना, इनको याद रखना है आपने।
ठीक है, ये लाल रंग की जो चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर बेटा जी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, मैं एक बार आपको बताता हूं। देखिए श्वसन, मीनिंग समझ में आया, पादपों में हम देख रहे हैं। श्वसन का मीनिंग ये था कि कुल मिलाकर जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जो कोशिका के अंदर है, उसको तोड़ना, ऊर्जा उत्पन्न करना। डन। पादपों की अगर बात करें तो कोई श्वसन अंग होता नहीं है, सीधा वातावरण से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी कि भैया श्वसन जो है दो प्रकार का, एक वायवीय और एक अवायवीय। श्वसन के चार चरण है वायवीय के, कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, क्रैब चक्र और ईटीएस वायवीय के। लेकिन अवायवीय में ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पथ है। हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा, हमने एक ग्लूकोज को तोड़कर दो पाइरुविक अम्ल बनाए थे, दो एटीपी और दो एनएडीपीएच2 बने। टोटल बनी है चार एटीपी थी, लेकिन दो एटीपी खर्च हो गई थी, इसलिए नेट प्रॉफिट कितना हुआ, दो एटीपी का हम बोलते हैं। ठीक है, और दो एनएडीएच2 बने थे। 10 चरण थे, 10 के 10 चरण आपने याद रखने हैं। पहले और तीसरे चरण में 2 ATP खर्च हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपके छठे चरण में आपके 2 NADH2 बने थे, 7वें और 10वें चरण में आपके 4 ATP बने थे। तो नेट कितना हो गया था, 2 ATP का मुनाफा हो गया था, है ना। और 9वें चरण में आपका जल का अणु निकला था, ये ग्लाइकोलाइसिस थी, वो 10 चरण आपने याद रखने। फिर उसके बाद हमने बात करी कि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पथ होता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में या तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे या इथेनॉल बनाएंगे। लैक्टिक एसिड ऑलरेडी 3 कार्बन का होता है, तो 2 अणु बनाए थे, लेकिन इथेनॉल 2 कार्बन का था, इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। इन दोनों प्रक्रियाओं में जो लास्ट चरण था ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हो रहा था, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, 2 पाइरुविक अम्ल बने थे। जब लैक्टिक एसिड बनाया, इथेनॉल बनाया, तो 2 NADH2 खर्च हो गई, तो नेट प्रॉफिट कितने एटीपी का बना, 2 ATP का। तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज को तोड़कर अगर आप लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनाते हैं, तो 2 ATP का मुनाफा होता है, मात्र 2 ATP बनती है अवायवीय श्वसन में। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे वायवीय श्वसन में कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस करा दिया, कोशिका द्रव्य में करा दिया। अब वो जो 2 पाइरुविक एसिड बने हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की धात्री में गए, वहां पर 2 पाइरुविक एसिड 2 एसिटाइल को एंजाइम में बदले, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो मैग्नीशियम की उपस्थिति में सक्रिय हो रहा था, और 2 NADH2 भी बन गए थे, 2 NADH2 बन गए। डन। अब ये 2 NADH2 क्रैब चक्र में जाकर सम्मिलित होंगे और फिर क्रैब चक्र चालू होएगा। इसके बाद का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी समय हुआ है आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। ईएमपी पथ में एक ग्लूकोज कितने पाइरुविक अम्ल में बदलता है, 1, 2, 4, 5। जो ईएमपी पथ जो था ईएमपी, उसमें एक ग्लूकोज जो होता है वो कितने पाइरुविक अम्ल में बदलता है, कितने पाइरुविक अम्ल बनते हैं, 1 बनता है, 2 बनते हैं, 4 बनते हैं या 5 बनते हैं। सोचिए, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज जब टूटता है तो कितने पाइरुविक अम्ल बनते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, पौधों में गैसीय आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, रंध्र, वात रंध्र, दोनों या कोई नहीं, कौन से अंग से गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। चलिए जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था ईएमपी पथ में एक ग्लूकोज कितने पाइरुविक अम्ल में बदलता है। आप अच्छी तरीके जानते हैं एक ग्लूकोज से हमने कितने पाइरुविक, 10 स्टेप रिएक्शन में लास्ट में कितने पाइरुविक अम्ल बनाए थे, 2। खत्म। क्या बनाए थे, 2 पाइरुविक अम्ल, सीधा सीधा। दूसरा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग होता है, कौन सा अंग होता है, रंध्र होते हैं, हाँ होते हैं, वातरंध्र होते हैं, हाँ ये भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, आंसर इज सी। खत्म, इतनी सी बात थी। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी, वायवीय श्वसन की। ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।